हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफा'स रसोई। और जैसे आपको पता है कि मैंगो का सीज़न चालू हो चुका है, रमज़ान भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब जो है हम आराम से मैंगो के रेसिपीज़ बना के उसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम होममेड आइसक्रीम बनाएंगे मैंगो की, जो बहुत ही यमी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी। और घर में जो हमारे पास अक्सर इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसी के साथ बनाएंगे। तो ये सुपर क्रीमी रेसिपी को आप एंड तक देखिए। तो आइए देखते से बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 मैंगो ले लिए हैं जिसका मैंने पल्प निकाल लिया है। और अगर आपको ग्राम्स में इसका मेजरमेंट चाहिए तो ये अराउंड 380 ग्राम्स है। और इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क पाउडर। तो ये जो मिल्क पाउडर है मैंने नेस्ले का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑफ मिल्क और इसमें जाएगा क्रीम। मैंने घर की जमी हुई मलाई का इस्तेमाल किया है जो मैंने 1 कप लिया है। अगर आप चाहते हैं तो अमूल की भी यूज़ कर सकते हैं जो टेट्रा पैक में मिलता है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 कप ऑफ कंडेंस मिल्क। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी जो आइसक्रीम है उसे बहुत ही सुपर क्रीमी और रिच बनाते हैं। तो हम इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे कंटेनर में। तो यहाँ पर मैंने एक अमूल का आइसक्रीम टब लिया है 1 लीटर का। और आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है बहुत ही स्मूथ एंड जिस तरह से वो फ्लो हो रहा है, एंड कैमरा में शायद से कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन देर आर लॉट ऑफ एयर पॉकेट्स इन दिस आइसक्रीम विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छी बनेगी, सुपर क्रीमी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी। तो अभी हम इसे कवर कर देंगे एक क्लिंग रैप की मदद से। क्लिंग रैप हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो आइसक्रीम है उसके ऊपर कोई भी बर्फ़ की लेयर नहीं आना चाहिए, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए हम इसे कवर करेंगे क्लिंग रैप से। अच्छा, जब आप कवर करेंगे क्लिंग रैप से तो आप मेक श्योर दैट कि आप सारे के सारे जो कॉर्नर्स है, जैसे मैं यहाँ पे प्रेस आउट कर रही हूँ अपने इंडेक्स फिंगर एंड नकल्स की मदद से, तो आपको बस उसी तरह से चारों ओर कंटेनर के आपको क्लिंग रैप बहुत ही अच्छे से लगाना है। कोई एयर नहीं होना चाहिए जिसके वजह से क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। तो इसे अभी हम फ्रीज़ करेंगे 4 आवर्स के लिए। तो 4 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ खास जमा नहीं है, ये ऐसी ही कंसिस्टेंसी होती है। मे बी आपके फ्रीज़र के ऊपर डिपेंड करेगा कि 4 आवर्स में किस तरह से ये सेट होता है। अब एक ब्लेंडर की मदद से आप इसे फिर से ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है स्पून के मदद से ही हिलाऊंगी। ये नीचे से थोड़ा थोड़ा जमने लगा था, तो बहुत ही अच्छे से हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो के पीसेस। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर और जो टेस्ट है, हल्का सा जो टार्टनेस है वो इस आइसक्रीम को इम्पार्ट करेगा। तो अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सारे मैंगो के पीसेस है वो टब में जो है पूरी तरह से फैल जाना चाहिए इन ईच एंड एवरी कॉर्नर। और इसे अभी हम क्लिंग रैप लगा के हम फिर से इसे फ्रीज़ करेंगे 12 to 14 hours। तो 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम जो है वो फर्म हो चुकी है। और ये देखें यहाँ पर अब मैं एक आइसक्रीम स्कूप से आपको निकाल के बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो है आपको एक टेक्सचर बता दूंगी इसका कैसे दिखेगा। बहुत ही इजीली निकल के आता है क्योंकि हमारी जो आइसक्रीम है वो क्रीमी है। तो ये देखिए इसका जो टेक्सचर है, बिल्कुल कोई आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम शॉप की तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं जो है इसे बाउल में निकालूंगी और आपको एक क्लोज़अप व्यू इसका बताती हूँ। ये देखिए एक और मैं आपको इसमें डाल के बताती हूँ। 2 से 3 बार आपको करना पड़ता है तो तब जाके बहुत ही अच्छा एक बॉल के जैसा इसमें निकल के आता है ये आइसक्रीम। तो ये देखिए इसका टेक्सचर आपको मैं अभी नज़दीक से बताती हूँ। तो देखिए ये कितना सुपर क्रीमी एंड एकदम बाज़ार जैसे इसका आया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई